ये जो एक आप मेरे हाथ में बॉटल देख रहे हैं, इसके अंदर एक पानी है नीला। अब ये आप कॉलिन तो बिल्कुल मत समझिए कि ये कॉलिन है, दिस इज नॉट कॉलिन। ये नॉर्मल आरओ का पानी है जो मैंने अपने फिल्टर में से भरा, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक टैबलेट डाली। मैं आपको उस टैबलेट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये पानी जो है वो आपके वाइपर का पानी है, और इसको यूज करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपका जो शीशा है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे, और स्क्रैचेस ना पड़े, विजिबिलिटी अच्छी मिले। कुछ लोग क्या करते हैं कि शैम्पू काट के शैम्पू का पाउच भी उसके अंदर डाल देते हैं, विच इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये मुझे एक शोरूम पे जो जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने नहीं बताया था कि उसका शैम्पू का पानी कभी भी शीशे पर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके वाइपर्स को खराब कर देता है। वाइपर्स में से जब आपको पानी आता है तो वहाँ चोक कर देता है, वो जम जाता है वो। नाउ ये जो टैबलेट्स हैं ये अमेजोन से मैंने मंगाई थी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, कितने की, शायद 150 रुपीज की शायद मुझे 10 टैबलेट 20 टैबलेट कुछ मिली है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। तो इसको क्या करना है कि एक ऐसी बॉटल लेनी है, पानी भरना है आरओ का, साफ पानी भरी है, मतलब जरूरी नहीं है कि आरओ का भरे, उसमें एक टैबलेट डालनी है, और आपको थोड़ी देर इसको थोड़ा मशक्कत करके इसको ऐसे ऐसे करके हिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटो अपने आप डिजोल्व नहीं होती डिसिप्लिन की तरह। देन वो जब डिजोल्व हो जाए तो आपको बस इस पानी को जाके अपने वाइपर का जो वहां पर जो बॉक्स दिया हुआ है पानी का उसके अंदर डालना है। अब मैं इसको आपको डालूंगा, एंड देन उसके बाद हम एक वाइपर से अपने शीशे को क्लीन करेंगे, एंड देन हम अपनी राइड को लेकर जाएंगे चाय वाले भैया के पास, और उनसे फिर हम कुछ करेंगे बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अभी क्या है कि मेरे को मैं अपने फोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मेरे साथ कोई है नहीं एज यू कैन सी, तो मुझे पहले बोनट खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से बोनट नहीं खुलता भाई स्कॉर्पियो का, इट्स वेरी टफ। तो मैं खोलता हूँ, देन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे फिल करना है। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बोनट मैंने अपना ओपन कर लिया है, और मैं आपको बता देता हूँ कि पानी डालने की जगह कहाँ पर है वाइपर की। सबसे पहले इस बॉटल को प्लेस करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये वाली, इसको ढक्कन को आपको खोलना है, इस पर निशान भी बना हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, वाइपर का, इसको आपको खोलना है, एंड देन इस पानी को इसमें हम डालेंगे। अब इसके अंदर कितना पानी आता है कैपेसिटी वो तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के आसपास जो है पानी इसके अंदर डाला है अभी आपके सामने। ये 1.5 लीटर, 2 लीटर की बोतल है, मैंने 1.5 लीटर हाफ इस बॉटल को मैंने फिल किया था, और उसके अंदर फिर मैंने टैबलेट डाली। अब ये मैं भी फर्स्ट टाइम करके देख रहा हूँ, सो आई होप कि रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं, नॉर्मल जो हम पानी फिल करते हैं उसके उसके अलावा। सो ये पूरा फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये पानी हमने डाल दिया है, और अब मुझे करना है बोनट बंद, जिसके लिए मुझे दोबारा से कैमरा को रखना पड़ेगा या ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से इसके बोनट को मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और जब आप अकेले शूट कर रहे हो सो आई आई नो कि थोड़ी सी तकलीफें तो आती हैं। सो चलिए मैं अपना कैमरा करूंगा बंद अभी, एंड देन थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। तो जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है शीशा क्लीन करने का वो है ये वाला, ये जो बटन है ये प्रेस करने से आपका 7 या 8 बार जो है आपका वाइपर स्वाइप होगा। सो लेट्स डू इट। ये काफी फर्क नजर आ रहा है, आई डोंट नो कि आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट क्लीनिंग बहुत सही हुई है इस पानी को यूज करके। आई थिंक डिफरेंस तो है यार, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन यूज करें। तो चलिए अब अपनी राइड को आगे बढ़ाते हैं, हम जाएंगे उन भैया के पास, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन इस वीडियो को हम करेंगे खत्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you.